हेलो गाइस, आज मैं आप लोग बताऊंगा आप लोग किस तरह से गो फिश 2021 में किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन के रेट्स को आप लोग कैसे ट्रैक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को आपके पसंदीदा लेजेंडरी पोकेमोन के रेट्स तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ टॉप लोकेशंस के बारे में बताया था जहाँ आप लोग गो फिश को खेल सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले सिडनी का नाम लिया था। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बताऊँगा आप लोग सिडनी में कैसे किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन के लोकेशन को आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जाना होगा सिडनी पोगो मैप के इस वेबसाइट में। आप लोगों को लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो आप लोगों को रेट्स का ऑप्शन दिख रहा है उसमें आप लोगों को प्रेस कर देना है। फिर आप लोगों को जाना है यहाँ पर फिल्टर का जो ऑप्शन है उसमें प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को उन्हीं ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जिन्हें मैं अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर वेदर बूस्ट का भी एक ऑप्शन है, आप लोग चाहे तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप लोग नॉन वेदर बूस्टेड रेट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट मत कीजिएगा। तो सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को आपके मैप में सारे लेजेंडरी पोकेमोन के रेड्स के लोकेशन दिख जाएंगे। यहाँ से आप लोगों को जिस भी रेड में पार्टिसिपेट करना है उस पोकेमोन के ऊपर आप लोगों को टैप कर देना होगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को मैप का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोगों को प्रेस कर देना है। इससे आप लोगों का गूगल मैप या फिर ब्राउजर खुल जाएगा। अब आप लोगों को बस यहाँ से कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लेना है। फिर आप लोगों को जाना है पीजी शार्प में। पीजी शार्प के टेलीपोर्ट ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर कोऑर्डिनेट को पेस्ट कर देना है। इससे आप लोग रेड्स के लोकेशन में पहुंच जाएंगे। तो इसके थ्रू आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं और डायरेक्टली रेड्स के लोकेशन में पहुंच सकते हैं। फिर रेड्स में पार्टिसिपेट करके आप लोग अपने पोकेमोन को कैच कर पाएंगे। तो ये था कैसे आप लोग सिडनी में लेजेंडरी पोकेमोन के रेड्स को आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड लोकेशन के बारे में। सेकेंड लोकेशन में मैंने मुंबई का नाम लिया था, लेकिन यहाँ पर मुंबई में किसी भी पोकेमोन को ट्रैक करने के लिए हम लोग किसी भी तरह का मैप नहीं मिलता है। तो इसलिए मुंबई में रेड्स को ट्रैक करने के लिए आप लोगों को जाना होगा पीजी शार्प के मैप में। फिर यहाँ पर आप लोगों को लेजेंडरी रेड्स का एक अलग से ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोगों को प्रेस कर देना है। उसमें प्रेस करते आप लोगों को अपने आसपास के सारे रेड्स आप लोगों को मैप में दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके आसपास के रेड्स को ही दिखा पाएगा। आप लोग पीजी शार्प के मैप में दूर के रेड्स को नहीं देख सकते हैं। आपके सराउंडिंग्स में जितने भी रेड्स चल रहे होंगे बस आप लोग उन्हीं को इस मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने आसपास के रेड्स को अगर ट्रैक करना है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जिस भी रेड में आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा उस रेड में प्रेस करके आप लोग टेलीपोर्ट में प्रेस कर देना है। इससे आप लोग उस रेड के लोकेशन में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर मुंबई में लेजेंडरी रेड्स को ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट लोकेशन के बारे में। मैंने लास्ट लोकेशन में न्यूयॉर्क का नाम लिया था। तो हम लोग को न्यूयॉर्क में अगर लेजेंडरी रेड्स को भी ट्रैक करना है तो उसके लिए हम लोग को जाना होगा एनवासी पोकेमैप के वेबसाइट में। मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस वेबसाइट में आप लोगों को सेम पुराने स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको फिर से जाना होगा रेड्स में, फिर जाना होगा फिल्टर्स में। यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्टली सेम उन्हीं ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को मैप में सारे लेजेंडरी रेड्स के लोकेशन दिख जाएंगे। अभी इस वक्त न्यूयॉर्क में रात हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग किसी भी रेड्स को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क में दिन हो जाएगा आपको सारे रेड्स के लोकेशन आपके मैप में दिख जाएंगे। फिर आप लोगों को लेजेंडरी रेड्स के कोऑर्डिनेट्स को सेम सिडनी के जैसे ही कॉपी कर लेना है। इसके थ्रू आप लोग आसानी से लेजेंडरी रेड्स के लोकेशन में पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग सिडनी, मुंबई और न्यूयॉर्क में आसानी से लेजेंडरी रेड्स के लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, डिस्कॉर्ड सर्वर, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।